मुझे याद है कि बचपन में ईद बकरीद वगैरह पे हम सब तैयार होकर मस्जिद जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, पर वहाँ मुझे कभी भी कोई औरत नहीं दिखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पे फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। मसलक दीन से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब जब मैं एक जर्नलिस्ट बन गया हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात पता लगा कर लोगों को बतानी चाहिए कि यहाँ की मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं होता है। एज अ जर्नलिस्ट इनको अपने ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना चाहिए था। ये जर्नलिस्ट नहीं है, जी जी, ये है मुबल्लिग, दाई, प्रचारक। इसीलिए कहीं टीनेज ढलने के बाद जाकर अपना कमरा और सोचने का वक्त मिला तो विचार नास्तिक हो गए। ये बताना चाहते हैं कि ये सब इलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, हालांकि हकीकत में नास्तिकता खुद सबसे इलॉजिकल चीज है। मैं 15 साल से मैं मस्जिद में मुलाजिम हूं, यानी मौजिन हूं। इनको इतनी सी बात नहीं पता है कि किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का हक उसके इंटेलेक्चुअल्स को होता है। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप किसी कंपनी के प्यून के पास जाएं, गेटकीपर के पास जाएं और उससे कंपनी के बारे में पॉलिसीज वहां से तय करें। आप मौजिन से जाकर इस्लाम की मालूमात हासिल कर रहे हैं, या तो ये बदनीयती है या तो ये जहालत है।